रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार को लेकर कांग्रेस की ओर से की जा रही बयानबाजी पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेसी नेताओं को ऐसी बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस का दो बार के चुनावों में वोटों में भारी गिरावट आना चिंता का विषय है और कांग्रेस पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार को लेकर कांग्रेस की ओर से की जा रही बयानबाजी पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस नेताओं को ऐसी बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि कांग्रेस का दो बार के चुनावों में वोटों में भारी गिरावट आना चिंता का विषय है और कांग्रेस पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूछा कि कांग्रेस राष्ट्रवाद और हिंदूवाद का नाम लेकर बीजेपी पर लांछन लगा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कई बार मतदाता तत्कालीन लाभ के कारण प्रभावित हो जाता है और ऐसा ही दिल्ली चुनावों में देखने को आया है। धूमल ने कहा कि भाजपा ने सोच समझकर राष्ट्रवाद को लेकर रणनीति बनाई थी, लेकिन दिल्ली चुनावों में कांग्रेस नेताओं के राष्ट्रवाद के नाम पर बेतुकी बयानबाजी करने की बात ठीक नहीं है। धूमल ने कहा कि दिल्ली चुनावों में कांग्रेस का ग्राफ पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि दिल्ली में 26% वोट मिले तो 2009 में 9% और इस बार 4% वोट ही कांग्रेस को मिले हैं, जो कि कांग्रेस की गिरावट को दर्शाती है, लेकिन फिर भी बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन कई बार राष्ट्र महत्व के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कोई नुकसान हो जाता है तो उसे नुकसान नहीं माना जाता है। चुनाव में कई बार मतदाता तात्कालिक लाभ के कारण प्रभावित हो जाता है और हो सकता है कुछ तात्कालिक मुद्दे दिल्ली से संबंधित हो उन पे मतदाताओं ने वोट दिया हो। भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ कर नीति बनाई थी राष्ट्रवाद के लिए और हमारे नेताओं ने जो वायदा किया था शरणार्थियों को कि आपको नागरिकता का अधिकार देंगे, जो पीड़ित होकर पाकिस्तान अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भारत में आए थे, हम उस पे आज भी खड़े हैं। और कांग्रेस का ये कहना कि राष्ट्रवाद की हार हुई है तो कांग्रेस बताए कांग्रेस राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है, राष्ट्रवाद के खिलाफ है। दूसरी बात जो उनका कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें याद होना चाहिए कि 15 वर्ष तक उनकी सरकार थी, उसके बाद उनको लगभग 26% वोट मिले थे, 2015 में 9% से ज़्यादा वोट उनको मिले, लगभग 10% थे, इस बार 4% मिले हैं। तो इस गिरावट के बाद भी दोनों बार जीरो स्कोर और दोनों बार लगातार वोट प्रतिशत में गिरावट आना क्या उनके लिए चिंता के विषय नहीं है? चुनाव जीतना प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए आवश्यक भी होता है, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन कई बार राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई नुकसान थोड़ा बहुत पॉलिटिकल हो भी जाए तो उसको नुकसान नहीं मानना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों को और प्रखर ढंग से उठाने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हिमाचल में डबल इंजन फेल के बयानों पर धूमल ने कहा कि केंद्र की सरकार ने हिमाचल को 14वें और 15वें वित्त आयोग में ग्रांट की वृद्धि कर प्रदेश के विकास के लिए काम किया है, लेकिन कांग्रेस के लोग केवल डायलॉग मानने में ही माहिर हैं, लेकिन बीजेपी सरकारें काम करवाने में विश्वास रखती हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस बताए कि 60 साल तक प्रदेश में कांग्रेस का डबल इंजन रहा है, लेकिन उन्होंने क्या काम करवाए थे? डबल इंजन कांग्रेस ने भी लगाया था जब हिमाचल को 13वें वित्त आयोग के तहत पैसा कम मिला था और उसका परिणाम स्वरूप विकास में दिक्कत आई थी और आर्थिक कठिनाइयां भी आई। डबल इंजन के बाद 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग में दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने हिमाचल को बहुत सहायता दी है। जो टैक्स शेयर 32% मिलता था वो 42% मिलना शुरू हो गया और जो 40,000 करोड़ की ग्रांट आती थी वो 70-75 हज़ार करोड़ से ज़्यादा हो गई। उसका सदुपयोग प्रदेश के विकास के लिए हो ऐसा प्रयास मिलकर करना चाहिए। केवल एक डायलॉग मारना कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, इससे काम नहीं चलता।
जिनकी डबल इंजन की सरकार 60 साल प्रदेश में लगी रही, उनको क्या, उन्होंने क्या किया है। प्रत्येक सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है और मुझे इस बात की खुशी है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस जो कांग्रेस सरकार ने हिमाचल का छीन लिया था, वो मोदी सरकार ने तुरंत आते ही उसको बहाल किया और उसके परिणाम स्वरूप हमारे आर्थिक सहायता केंद्र से मिलने वाली जो बढ़ी और उसके परिणाम स्वरूप प्रदेश आगे बढ़ रहा है।